मेरी बहन बचपन में अगवा हो गई थी और हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके लिए हम उसे भूल गए। अब मेरी माँ रोज़ाना बीमार रहती थी, रोज़ाना नर्स घर पे माँ को ड्रिप लगाने आती थी। एक रोज़ नर्स को देखकर मैं जज्बात में काबू ना रख सका और नर्स के साथ ज्यादती करने लगा। जब मैंने नर्स को बरहना किया तो मेरी नज़र नर्स की पीठ पर पड़ी, जिसे देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स रोज़ी मेरी माँ के साथ बैठी थी। वो अम्मा को ड्रिप लगा चुकी थी और जब तक ड्रिप पूरी ख़त्म ना होती उसका काम मेरी माँ की निगरानी करना ही था। मेरी माँ बीच बीच में उससे बातें भी कर रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में नींद की वादियों में भी उतर जाती थी। कमज़ोरी की वजह से अम्मा को खुद ब खुद नींद लगती थी। फिर मैंने देखा कि अम्मा को गहरी नींद लग गई तो मैंने आहिस्तगी से नर्स रोज़ी को आवाज़ दी और उससे कहा कि मैं अम्मा के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कमरे से बाहर चलने का इशारा किया तो वो फ़ौरन कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उसे हमारे घर में आते हुए तकरीबन 20 दिन हो चुके थे, इसलिए वो इस घर से काफ़ी मानूस हो चुकी थी। मैं उसे ड्राइंग रूम में लेकर गया और ऐसा जाहिर करने की कोशिश की जैसे मैं कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठी, मैंने जल्दी से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। शैतान मुझ पर गालिब आ चुका था और मैं उसके हुस्न के जाल में इस कदर बुरी तरह फंसा था कि बस उसे हासिल करने की ख्वाहिश ने मेरे दिल में ठाठे मारना शुरू कर दिए थे। मैं जानता था कि आप काफ़ी देर तक अम्मा नींद से नहीं जागने वाली, यही मौका ठीक था जब मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। जैसे ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मुझे भाई कहकर मुखातिब करती थी। मैंने मुस्कुरा कर उसे कहा कि कई दिनों से बस तुम्हें दूर दूर से देख रहा हूँ, आज मेरे सब्र की इंतहा हो गई है। तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, मैंने आज तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा लेकिन तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम जैसा हुस्न दुनिया में कहीं नहीं होगा। मेरी बात सुनकर उसने चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए, फौरन उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, भाई मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं मेहनत करके पैसे कमाती हूँ। इसकी बात पर मैं ज़ोर से हंसा और उसे धकेल कर सोफे पर गिरा दिया। मैं भी कोई ऐसा वैसा मर्द नहीं था, सीधा साधा शरीफ ही था, लेकिन बहुत अरसे से तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते गुजारते मैं तंग आ चुका था और जब से उसे देखा था तब से तो दिल में यही ख्याल था कि किसी न किसी तरह उसे हासिल कर लूँ, और आज वो मौका मुझे मिल गया था। वो शोर मचाते कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने उसके मुंह पर लगे मास्क पर कसकर अपना हाथ जमाया था और उसके करीब होते हुए उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगा। मेरा घर थोड़ा सा शहर से हटकर था क्योंकि मुझे यही बस्ती ज़मीन मिली और मैंने यही छोटा सा घर बनाया था, इसलिए मैंने उसे धमकाया कि उसके शोर शराबे की आवाज़ पर भी इस वीराने में कोई नहीं आएगा। मैंने जेब से छोटा पिस्टल निकाल कर टेबल पर रख दिया जिसे मैं अपनी हिफाजत के लिए रखता था। पिस्टल देखकर तो उसके औसान ही ख़ता हो गए, उसकी आवाज़ खुद ब खुद बंद हो गई, अलबत्ता उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं की परवाह मुझे हरगिज़ नहीं थी। मैं बस अपनी हवस पूरी करना चाहता था और ऐसे ही जज्बात में आकर मैंने अचानक से उसकी कमीज को ज़ोर से खींचा तो उसका पुराना बोसीदा सा यूनिफॉर्म फौरन ही फट गया और मेरी नज़र उसकी पीठ पर पड़ी और उसकी पीठ देखते ही मेरे होश उड़ गए। बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए मैंने उसे पूछा कि ये सब क्या है, और फिर जो कुछ उसने मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारने के बाद जब इंसान के पास पैसा आता है तो खुद ब खुद उसके कदम बहकने लगते हैं। मैंने भी सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी थी, रोटी के सूखे टुकड़ों के लिए हम जी जान से मेहनत किया करते थे। हमारा ताल्लुक गांव से था और अब्बा खेतों में काम करते थे, तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं मिलता था, अलबत्ता राशन हम लोगों में बांट दिया जाता था। कभी वो राशन बारिश की वजह से ख़राब हो जाता तो कभी कीड़े पड़ जाते और कभी कभी तो गांव के वडेरे फसल का वो हिस्सा गांव में बांटते जो फरोख्त होने के काबिल ना होता। जैसे तैसे ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी, ये गांव हमारी मिट्टी थी और यही हमारा जीना मरना था। हमने कभी इस गांव से निकलने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर एक दिन अचानक अब्बा का इंतकाल हो गया और न जाने अब्बा और वडेरे साहब के बीच में क्या बात हुई थी कि अब्बा इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। वडेरे ने अब्बा को हवेली में बुलाया था और जब अब्बा लौट कर आए तो उनका चेहरा जर्द पड़ रहा था। अम्मा के लाख पूछने पर भी अब्बा अम्मा ने कुछ न बताया और फिर रात गए वो इस दुनिया से खामोशी से चले गए। अब्बा के जाने के बाद हमारी दुनिया ही लुट गई।
अब्बा अकेले मेहनत करने वाले थे, मैं सिर्फ 12 साल का था। अब ये जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई थी और वडेरे साहब ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और कहने लगे, तुम अपने अब्बा की जगह खेतों का काम संभाल लो। मैं उनसे पूछना चाहता था कि अब्बा और उनके दरमियान क्या मामला था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी। हम गरीब लोग थे, वडेरे के आगे जबान खोलना हमारे बस में नहीं था। अलबत्ता अब्बा के इंतकाल के बाद एक बात बहुत अजीब हुई थी कि वडेरे साहब हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, जबकि उनकी फितरत ऐसी नहीं थी। वो बहुत ही सख्त मिजाज थे और किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते थे, खासकर गांव के गरीब लोगों से। लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद से वडेरे साहब ने हमारे घर के कई चक्कर काट दिए थे। कभी वो राशन लाते तो कभी फल, और यही बात मुझे हैरान कर देती थी कि अचानक वडेरे साहब को हमसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी। उनके कहने पर मैंने अब्बा की जगह ले ली थी। अम्मा इद्दत में थी, वो घर में ही बंद रहती थी। वडेरे साहब हमारे घर का चक्कर लगाते तो अम्मा पर्दे में से ही बात करती। छोटी बहन 10 साल की थी और गांव में उसकी काफ़ी सहेलियां थीं। वो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह सारे गांव में घूमती फिरती थी। अब्बा के इंतकाल के बाद वडेरे साहब ने उसे अपनी गोद में बिठाकर खूब प्यार किया था और कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें कभी तुम्हारे बाप की कमी महसूस नहीं होगी। वडेरे साहब की इस रहम दिली पर सारा ही गाँव बहुत खुश नज़र आ रहा था और मैं भी बहुत खुश था। लेकिन एक शाम जब मैं फसल की कटाई के बाद घर वापस लौटा तो अम्मा कहने लगी कि गुड़िया अभी तक घर नहीं आई, पता तो करो किस सहेली के घर गई है। अम्मा के कहने पे मुझे भी फिक्र हुई, अंधेरा होने वाला था, इसलिए मैंने गुड़िया की ढूंढ मचा दी। मगर कुछ देर बाद पता चला कि गुड़िया तो अपनी किसी भी सहेली के घर पर नहीं है। यह सुनना था कि अम्मा ने हंगामा डाल दिया और इस कदर रोना शुरू किया कि मैं भी परेशान हो गया। फिर हमने हर जगह गुड़िया को तलाश कर लिया। वडेरे साहब को भी खबर भिजवाई कि गुड़िया गुम हो गई है। उन्होंने भी अपने आदमियों से कहकर तलाश का सिलसिला शुरू किया, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। और फिर आखिर में वडेरे साहब ने ऐलान कर दिया कि शायद गुड़िया नदी के तेज बहाव में बह गई है, क्योंकि आखिरी बार उसे उसी तरफ जाते हुए देखा गया था। गुड़िया की गुमशुदगी ने अम्मा को निढाल कर दिया था। पहले अब्बा का अचानक दुनिया से चले जाना, फिर गुड़िया का हमसे बिछड़ जाना। अम्मा को तो गांव से ही वहशत होने लगी थी। वो पागलों की तरह चीखें मारती, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ, गुड़िया गुड़िया के नारे लगाती। वो एक एक गांव वाले को झंझोड़ कर गुड़िया का पता पूछने लगती, लेकिन गुड़िया का कोई पता नहीं था। सब गांव वालों को यही लग रहा था कि वो वाकई नदी में बह चुकी है, मगर अम्मा के दिल को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जब अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैंने फैसला किया कि अब मज़ीद इस गाँव में नहीं रहना, हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और मैं 14 साल की उम्र में अम्मा का हाथ पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला आया। शहर में हमारे एक चचा रहा करते थे, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और चचा के सहारे ही मैंने नई ज़िंदगी शुरू कर दी। चचा ने रहने के लिए अपने घर में जगह भी दी और काम का इंतज़ाम भी करवा दिया। शहर आने के बाद किस्मत ने पलटा खाया और मेरी मेहनत रंग लाई। ये बात मुझे अच्छी तरह पता चल गई कि कामयाबी उसी के कदम चूमती है जो मेहनत करने से नहीं चूकता। मैंने भी हर किस्म की छोटी बड़ी मेहनत की और हर वो काम किया जिससे पैसा कमाया जा सकता था। यानी एक एक वक्त में 3-3 नौकरियां की और अपने हालात बदलने के लिए अपनी कमर कस ली। कुछ साल ही गुजरे थे कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैंने ज़मीन खरीद ली और आहिस्ता आहिस्ता उस पर मकान तामीर करवाना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी में ना सुकून था ना आराम, बस एक ही जस्तजू थी कि अपना घर करना है और अम्मा को हर गम से आज़ाद करवाना है। लेकिन अम्मा तो हर गुजरते साल के साथ और भी ढलती जा रही थी। तब मैं अम्मा को प्यार से संभालता समझाता और फिर एक वक्त आया कि जब अम्मा पूरी तरह खामोश हो गई और बिस्तर से लग गई। गुड़िया के गुम जाने का गम अम्मा को खा गया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छी तरह था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। फिर वक्त के साथ साथ गुड़िया वाला मामला दबता ही चला गया और मैं ज़िंदगी की दौड़ में पूरी तरह शामिल होकर इस बात को भूल ही गया कि कभी मेरी कोई बहन भी थी। लेकिन धीरे धीरे अम्मा इस कदर खामोश हुई थी कि गुड़िया का जिक्र भी ख़त्म हो गया था। गुड़िया गुम हुई, नदी में बह गई या फिर अगवा हुई, हम में से कोई नहीं जानता था। साल तेज़ी से गुजरते चले गए और मैं 22 साल का हो गया। मैंने लगातार दिन रात मेहनत की, बहुत मेहनत की, एक छोटा सा घर भी बना लिया और शहर के मरकज़ में अपनी दुकान भी सेट कर ली।
घर का गुजारा अच्छी तरह होने लगा। अलबत्ते सब में मेरे चचा ने मेरा बहुत साथ दिया था। जब हालात बदले और चार पैसे जेब में आए तो मैंने अम्मा का ठीक तरह से इलाज करवाना भी शुरू किया। लेकिन पता नहीं कि अम्मा को कोई ख़ास बीमारी नहीं है, बस वो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहती थी। उनके अंदर ज़िंदगी दम तोड़ गई थी, इसलिए वो ठीक से खाना पीना नहीं करती थी और कमज़ोरी की वजह से ही बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टर ने उनके इलाज में ड्रिप लिख दी ताकि उन्हें रोज़ाना ड्रिप लगे और जिस्म में ताकत आए। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अम्मा का सुकून से इलाज करवा सकता था, इसलिए मैंने डॉक्टर से कह दिया कि आप खुद कोई नर्स हमारे घर भेज दें जो रोज़ाना पाबंदी से आकर अम्मा को ड्रिप लगा दिया करे। मेरी बात पर डॉक्टर साहब राज़ी हो गए। फिर उन्होंने एक नर्स को बुलाया और उसे अम्मा के बारे में तफसील से बताया कि मुझसे कहने लगे कि कल से ये आपकी अम्मा को ड्रिप लगाने के लिए आ जाएगी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो उस नर्स के चेहरे पर नकाब लगा हुआ था, लेकिन उसके गोरे चिट्टे हाथ पांव बता रहे थे कि वो बहुत गोरी और ख़ूबसूरत होगी। उसने एक नज़र मुझ पर डाली थी और फिर वो बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। मेरी नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। मुझे गांव से आए 3 साल हो गए थे, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था। मैं पैसा कमाना चाहता था और अपनी माँ को सुकून वाली ज़िंदगी देना चाहता था, मगर अब जब सब कुछ सेट हो गया तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही किसी खूबसूरत लड़की की कमी है। अगले ही दिन से वो नर्स हमारे घर आना शुरू हो गई। वो अपने साथ सारा सामान लाती, अम्मा को ड्रिप लगाती, कुछ दिन अम्मा से बातें करती और फिर चली जाती। धीरे धीरे अम्मा उससे मानूस होने लगी और फिर अम्मा उसके साथ अपने दिल की बातें भी करने लगी। वो बातें जिन्हें दिल में रखने की वजह से अम्मा बिस्तर पर पड़ गई थी। कभी वो उसके साथ बैठकर अब्बा का जिक्र करती और कभी बेटी का। वो खामोशी से अम्मा की बातें सुनती रहती और फिर वापस चली जाती। उसे हमारे घर से आने में ही मेरी अम्मा की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था। अम्मा को तो वो बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगती थी और सच तो ये था कि उस नर्स की वजह से मैं भी थोड़ा जल्दी घर आने लगा था। जैसे ही वो घर आती तो मैं भी सारा काम छोड़कर घर पहुंच जाता और फिर उसके इर्द गिर्द ही रहता। वो अम्मा से सवाल जवाब करती, उनकी तबीयत का पूछती और फिर उनके सारे किस्से कहानियाँ सुनती रहती। मैंने कभी इस नर्स का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी आँखें बताती थीं कि अम्मा की बात सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। कई दफ़ा उसने अम्मा को अपने सीने से भी लगाया था और उसके सीने से लगकर अम्मा बहुत पुरसकून नज़र आती थी। दिन ब दिन अम्मा की हालत पहले से बेहतर हो रही थी, इसीलिए मैं उस नर्स को अच्छी खासी रकम अदा कर रहा था। वो भी खुशी खुशी हमारे घर आने लगी। नर्स को अच्छी खासी रकम मिल रही थी, जबकि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर हटकर था। पैसे की कमी की वजह से मुझे उसी जगह सस्ती ज़मीन मिली थी और मैंने यही घर खरीद लिया था। उसे हमारे घर आते कुछ दिन ही गुजरे थे, एक दिन यही बात बातों बातों में मैंने अपने दोस्तों को बता दी कि अब मुझे अम्मा की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि दिन का कुछ हिस्सा नर्स उनके साथ होती है। मेरे दोस्त कुछ अय्याश किस्म के थे, पूछने लगे कैसी नर्स है, जवान है बूढ़ी है, इतनी दूर शहर से बाहर तेरे घर तक कैसे आती है। मैंने उन्हें बता दिया कि डॉक्टर साहब की गाड़ी में, वो मेरे घर आती है, जवान है, खूबसूरत है लगता है, लेकिन हमेशा पर्दे में रहती है, इसलिए मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। और यह सुनकर मेरे दोस्त हंसते हुए कहने लगे, अगर ऐसा मौका हमें मिलता तो कभी ज़ाया नहीं जाने देते, तो आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों की बात सुनकर मैं चौंक गया, मैंने कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उन लोगों ने जब मेरे जहन से ये बात डाली तो खुद ब खुद मेरे दिल में यही बात चलने लगी। मैं वाकई काफ़ी अरसे से तन्हा था और जज्बात किस मर्द के सीने में नहीं होते। मैं अंदर भी बहुत सारे जज्बात मौजूद थे जो किसी आम इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन हालात की वजह से मैंने उन्हें दबा लिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जल्दी घर पहुंच गया और नर्स रोज़ी मेरी अम्मा के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। काफ़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई मखमली हुस्न की मालिक है और उसे अपने काबू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस फिर मैं मौके की तलाश करने लगा और एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैं उसे खामोशी से बहाने बनाकर ड्राइंग रूम में ले गया। फिर जैसे ही मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला तो मुझ पर वो सच्चाई खुली जिसने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। उसका यूनिफॉर्म इस कदर पुराना और बसीदा था कि ज़रा सी खींचा तानी में ही फट गया। और फिर मैंने उसके पेट पर वो निशान देखा जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो निशान एक ख़ास निशान था जो हमारे गांव के लोगों के पेट पर होता था।
दरअसल बडेरे ने हम सबको अपने ग़ुलाम की तरह रखा था। जो भी बच्चा गांव में पैदा होता उसके पेट में जलते कोयले से एक ख़ास निशान बना दिया जाता ताकि पता चले कि इसका ताल्लुक इस गांव से है। ये निशान एक तरह से हमारे कैदी होने का निशान था। वडेरे की मर्जी के मुताबिक कोई गांव से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे भी इसी वजह से इजाज़त मिली थी क्योंकि अम्मा के पागलपन के दौरों ने गाँव वालों की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था, इसलिए वडेरे ने मुझे गांव छोड़ने की इजाज़त दी थी। वरना जिस किसी के जिस्म पर यह निशान मौजूद होता वो उस गांव की हदूद से बाहर नहीं निकल पाता, और यही निशान उस लड़की के पेट पर था। मैंने हकलाते हुए उसे पूछा कि ये निशान तुम्हारे पेट में कैसे आया था, क्या तुम भी हमारे गांव से ताल्लुक़ रखती हो? मेरी बात सुनकर उसने आहिस्ता से अपने चेहरे से नकाब हटाया और उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सांस रुक गया। मैं उस चेहरे को लाखों में भी पहचान सकता था। ये मेरी गुड़िया का चेहरा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने आगे फटे लिबास में देख के मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया और जल्दी से अपना कोट उतार कर मैंने गुड़िया के ऊपर डाल दिया। और फिर उसने बताया कि वो इस हाल को कैसे पहुंची, वो यहाँ क्या कर रही है और उसने हमें अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने एक ऐसी सच्चाई खोली जिससे मैं हैरान रह गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। गुड़िया कहने लगी कि मैं अपनी सहेली के घर से निकलकर वापस घर आ रही थी कि जब ही वडेरे साहब के आदमी मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर हवेली में ले गए, जहाँ वडेरे साहब कमरे में थे और मुझसे कहने लगे कि मैंने तो बड़े प्यार से तेरे बाप से तेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन तेरे बाप ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और उस हवेली से चला गया। फिर बगैर तेरा रिश्ता मेरे हाथ में दिए वो इस दुनिया से चला गया। मैंने सोचा था कि तेरी माँ से तेरा रिश्ता मांगूंगा, लेकिन वो चार दीवारी में कैद हो गई। तेरा भाई, वो तो मेरा मुलाजिम है, इसलिए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब मुझे बाकायदा तेरा रिश्ता मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज से तू मेरी बीवी है। और ये कहकर वडेरे ने ज़बरदस्ती मेरे साथ ज्यादती की और मैं चीखती चिल्लाती रह गई। उसने मुझे अपनी हवेली में कैद कर दिया था। और फिर कितने ही दिन ऐसे ही गुजर गए कि अब मुझे ढूंढते हुए आए और ना ही अम्मा। और फिर मुझे हवेली के मुलाजमों से पता चला कि सारा गांव ये समझ रहा है कि मैं नदी में बह गई हूँ। मैं रोज़ाना चीखती चिल्लाती शोर मचाती, लेकिन मेरी आवाज़ कभी हवेली से बाहर जा ही नहीं सकती थी। और फिर कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि अम्मा पागल हो गई है और आप अम्मा को लेकर शहर चले गए हैं। उस दिन के बाद से तो बस मैं हर वक्त यही कोशिश करती थी कि किसी तरह हवेली से भाग कर शहर पहुँच जाऊँ, लेकिन वडेरा हर रात मुझ पर जुर्म ढाने के लिए मेरे पास चला आता था। हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं मुस्तकिल बीमार रहने लगी। जब वडेरे को लगा कि अब मैं मर जाऊंगी तो उसे अपने हाथों से कहकर मुझे गांव के बाहर जंगल में फेंकवा दिया। उसे लगा था कि मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, बल्कि शहर जाने वाली एक गाड़ी उस तरफ निकल आई और फिर उन्होंने मेरी हालत देख के मुझे शहर पहुँचाया। वो दोनों मियाँ बीवी थे और दोनों ही डॉक्टर थे। दोनों ने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे अपने बच्चों की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया। वो बे औलाद थे, उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। दिन गुजरते रहे, मैं भी उनकी तरह डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। और फिर गुजरने के साथ साथ जब मैं कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने मुझे नर्स का कोर्स करवा दिया और मैं उन्हीं के अस्पताल में नर्स बनकर काम करने लगी। इस तरह मेरा ध्यान बट गया। मैंने भी माजी को भुला दिया क्योंकि आप लोगों तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर अब अम्मा को लेकर अस्पताल आए और नर्स की बात की। मैं आप लोगों को देखते ही पहचान गई थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको बता सकती कि मैं आपकी बहन हूँ। मुझे वडेरे का खौफ था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर कभी मैं आप लोगों के पास वापस लौटी तो आप लोगों को भी जान से मार देंगे। बचपन का खौफ जहन में इस कदर सवार था कि मैं ये भी भूल गई कि अब इस बात को सालों गुजर चुके हैं। बस मुझे यही लगता था कि अगर मैं आप लोगों के सामने आई तो आप लोगों की जान को ख़तरा होगा। ये बात किसी को भी नहीं बताई कि मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक है। और मैं रोज़ अम्मा की ड्रिप के बहाने यहाँ आने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। न जाने क्यों अपने दोस्तों की बातों में आकर मैं ये हरकत कर बैठा और अपनी बहन की नज़रों में गिर गया। मैंने गुड़िया से खूब माफ़ी मांगी और उसे कहा कि अम्मा की हालत उसी की वजह से है। वो अपना चेहरा अम्मा को दिखाएगी, अम्मा को सीने से लगाएगी तो अम्मा ठीक हो जाएंगी।
और फिर मेरे समझाने पर गुड़िया राजी हो गई। उसने अम्मा को जाकर अपना चेहरा दिखाया तो अम्मा बिल्कुल दीवानी होकर उसे चूमने लगी। कहने लगी कि मुझे तो पहले से ही तुझमें अपनी बेटी की खुशबू आती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कुछ दुख के थे, कुछ खुशी के और कुछ नदामत के। बहुत सालों के बाद मुझे अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल गई थी और अब्बा की मौत की वजह भी समझ आ गई थी। गांव के लोग आज भी वडेरे के जुल्म का शिकार हैं। न जाने पसमांदा गांव से ऐसी रस्में कब खत्म होंगी। कब तक हम वडेरों के गुलाम बनकर रहेंगे। क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता। कितनी ही गुड़ियाएं उनके हवस का शिकार बनकर इस दुनिया से जा चुकी हैं और अपनों से दूर हो चुकी हैं। कब तक हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पामान।